जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट एनी कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस प्लस इट एनी कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इट एनी कॉस्ट ये वही का वही रहेगा विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर इट एनी कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, रिटर्न माई मनी बाई टमोरो इट एनी कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टमोरो इट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना, डोंट टेल हिम इट एनी कॉस्ट। डोंट टेल हिम इट एनी कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो, जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कम्प्लीट दिस वर्क इट एनी कॉस्ट। कम्प्लीट दिस वर्क इट एनी कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ, जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पी एस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।